हापुड़ में कोरोना के 12 मरीज हुए स्वस्थ, एक मिला संक्रमित। नमस्कार, आप देख रही हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। हापुड़ जिले में कोरोना का एक संक्रमित मरीज मिला है, उसे होम आइसोलेट किया गया, साथ ही 12 मरीजों को स्वस्थ घोषित कर दिया गया है। अब जिले में 13 सक्रिय मरीज हैं जिन्हें उपचार दिया जा रहा है। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, रोजाना 900 से अधिक जांचें हो रही हैं। गुरुवार को पिलखुआ निवासी एक और मरीज संक्रमित मिला, आरटीपीसीआर जांच में उसके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। रैपिड रेस्पॉन्स टीम को निगरानी सौंप दी गई। उधर सीएमओ ने जांच का दायरा बढ़ाने के साथ ही अस्पतालों में बिना मास्क के आने वाले मरीजों को सख्त हिदायत देने के निर्देश दिए। टीकाकरण को लेकर वैक्सीन की डिमांड भी शासन को भेज दी गई है। होम आइसोलेशन में उपचार पा रहे मरीजों की 8 दिन बाद फिर जांच की गई, जिसमें 12 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इन मरीजों को स्वस्थ घोषित कर दिया गया है। जिले में अब सक्रिय मरीजों की संख्या सिर्फ 13 रह गई। करीब 900 सैंपल जांच के लिए वेटिंग में है। इनकी जांच के साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। हमारे संवाददाता तुषार शर्मा और पुनीत त्यागी ने हापुड़ सीएमओ डॉक्टर सुनील त्यागी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। जिला अस्पताल समेत सभी सीएचसी में अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था की गई। देखिए हापुड़ हलचल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना को लेकर जनपद में क्या तैयारियां सर? जैसे कि पूरे एनसीआर में कोरोना केस आ रहे हैं, तो जनपद हापुड़ में भी अभी छुटपुट केस आने लगे हैं। जैसे आज हमारे यहाँ 12 केस हैं, जिसमें 5 केस आज ही आए हैं। तो हम लोगों ने एक तो हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है अपनी, और टेस्टिंग के बाद ट्रेसिंग, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम करते हैं, और उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी हम पूरी ICCC के थ्रू पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, दवाई की किट पहुँचवाते हैं, और दवाई की सबको होम आइसोलेशन में हम रखे हुए हैं। इसके अलावा हमने बेड भी अपने 50 बेड जिला संयुक्त चिकित्सालय में हैं, और 20-20 बेड हमारे 5 CSC पर हैं। सर, आज जो पेशेंट मिले हैं उनके परिजनों की क्या टेस्टिंग भी है? ये एक्चुअल में 2 केस हमारे मेरठ से मिले हैं जो हमारे जनपद के रहने वाले थे, 2 केस हमारे जनपद हापुड़ से मिले हैं, और 1 केस हमारे यहाँ का मिला है। ये एक जो एक मिला है ये कॉन्टैक्ट का ही था, जिसे पहले एक बार हो चुका, उसके साथ का उसके घर वाला ही है। सर, जनपद में प्रतिदिन कितनी जांचें हो रही है? प्रतिदिन 1000 से के आसपास हमारी जांच हो रही है, जिसमें एंटीजन और ये आरटीपीसीआर दोनों हैं।